कोई ऐसी सड़क बताओ जिसमें गड्ढे ना हो। अब तो लोग सड़कों के गड्ढे तक गिनने लगे हैं। इन गड्ढों को गिनने के बाद अगले दिन दूसरा रास्ता बदलने वाले वहां से भी सुकून से नहीं गुजर पा रहे। गड्ढे एक एक फीट गहरे हो गए, जिसको देखते हुए मुरादाबाद में नगर निगम द्वारा एक रोड पार्किंग मशीन को लाया गया, जिससे कम समय में सड़कों पर होने वाले गड्ढों को भरा जा सके। इसको लेकर बरेली से एक रोड पैकिंग मशीन को मुरादाबाद लाया गया और उस मशीन से सड़कों पर हुए गड्ढों को समतल करने का काम किया जा रहा है। साथ ही आगे की जानकारी देते हुए मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज ये रोड पैचिंग मशीन है जो दिल्ली के अंदर पिछले 10 सालों से काम कर रही है कि जब कभी भी कहीं भी सड़क पे कोई गड्ढा हो और अचानक उसको भरने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे मौके पे प्लांट से वो गड्ढे भरने का मटेरियल नहीं मिल पाता है, हॉटमिक्स प्लांट बंद होते हैं और वो एक एक दो दो गड्ढे भरने के लिए कोई उसमें रुचि भी नहीं दिखाते हैं। तो इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, बम्बई, इंदौर, बड़े बड़े शहरों में इस तरीके की पैचिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में अभी बरेली नगर निगम ने ये मशीन खरीदी है जो ये हद तत्काल त्वरित पैचिंग का काम करने का कार्य करती है। तो आज ये कंपनी के हाईवे मशीन का डिमॉन्स्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारे चीफ इंजीनियर साथ भी खड़े हुए हैं, निगम के अधिकारी भी हैं। अगर इससे संबंधित इसके अंदर वाइबिलिटी बनती है तो ये मशीन मुरादाबाद वासियों को जल्दी नव वर्ष में तोहफे के तौर पे गड्ढा मुक्त मुरादाबाद। वहीं अब देखना होगा कि क्या इस पहल से शहर की खस्ता हाल सड़कों का हाल कितना ठीक हो पाता है।